आपका जो ये मैच लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी के नाम से उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हुए हमारे दोनों क्लब के खिलाड़ी लेजेंड क्लब और भार्गव स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आरिफा अपुरिया को सारे ग्राहक मुझे पूरे लिखे प्रोग्राम आज तुसे शिरकत की थी जी बहुत शुक्रिया बलविंदर जी रंजीत सिंह रंजीत जी बॉल बॉल परमजीत सिंह पन्नी नाम से सर मैं आपको बताता हूँ हमारे जितने भी ये खिलाड़ी हैं इनमें नेशनल थोड़ा सा मैं आरिफ साहब बलविंदर साहब करकट सिंह जी कल्याण सिंह जी कुली बबू रॉकी निक्का सतवीर सिंह जी जसविंदर सिंह जी कुकू रंजीत सिंह जी गुरमीत जी परमजीत सिंह जी पन्नी इंद्रपाल सिंह जी विकास सर और रणवीर सिंह प्रवीण सिंह जी लाइन अप हो जाए फोटो शूट के लिए ये तो है भविष्य आगे सारे न्यूज़पेपर में तो उसमें
फिट में नमाल बनाया है। उनके लिए बोलूंगा कि कोशिश करें कि आगे रणवीर सिंह, श्याम सिंह, कुलवंत सिंह, प्रगट सिंह, और ये भी अच्छा खिला रहे थे इस वाले को खेल में। अच्छा आ जाए राजू, फिर राजू प्रगट सिंह आप आगे हैं प्लीज। ओके थैंक यू सिंह जी। और क्या बेटा आ गया जो इंस्पेक्टर जेल के पुलिस सेंटर टीम के ऐसे खिलाड़ी परमजीत सिंह पमी, रंजीत सिंह रंजी, ठीक हमारे यहाँ के कोच अंग सिंह, अजय इकबाल सिंह एंड साथी, एक मिनट चलो सर। और उन्होंने मुझे बताया कि आरिफ साहब के साथ भी ये खेले हैं, इन्होंने जूनियर इतने महान खिलाड़ियों से। नशा भी मेरे जैसा है पर क्रिकेट में है नशे नशे के किसान दे साड़े बोलो 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 मैं अरे आए और इनके वादे को हम याद करेंगे। बिल्कुल होगा, वो वादा नहीं है करना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। सरपंच साहब से रीम साहब से विनती करेंगे कि आज के जो हमारे मेहमान आरिफ साहब जी को जोरदार तालियों से इनका स्वागत। रिजल्ट दादा ध्यानचंद का आज बर्थडे है, 29th August डेटेड फॉर इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे। और हमें ये 1905 में ये बॉर्न हुए थे, इफ आई एम रॉन्ग राइट राइट, इनका जन्म हुआ था ये प्रयागराज में, इनका जन्म हुआ था जो माना जाता था, इफ आई एम राइट। सो इनका कंसेक्यूटिव जो 3 ओलंपिक्स थे उनके बारे में खैर आप लोगों को सबको पता होगा, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। 1928 और 32 और 36 है ना, 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स थे जिसमें दादा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो बर्लिन में 1932 में जो ओलंपिक्स हुआ था जर्मनी में, सो परफॉर्मेंस वाइज दादा जो है वो उनका बेस्ट टूर्नामेंट था वो, जिसमें इन्होंने 3 गोल किए थे और इन्होंने जर्मनी को डिफीट किया था आई थिंक 8-1 से, 8-1 का स्कोर था। और फिर बाकी जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर ने क्या बोला, क्या क्या सबकी स्टोरी आप लोगों को पता होगा। तो ही वॉज ए ग्रेट मैन, ठीक है ना। और फिर इन्होंने दादा ने झांसी में जो है इनका जो रिहाइशी जो इनका इन्होंने झांसी में किया था। तो हमारे बहुत महान प्लेयर हैं। तो आज और वैसे भी आज जो हमारे भारत सरकार जो हमारे अवार्ड्स देते हैं आज की, जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड है और कुछ राजीव गांधी अवार्ड है। सो अब दादाजी के जो है इनके जो स्पोर्ट्स डे है उस दिन इनका जो है वो करते हैं रिसिपिएंट्स जो होता है जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबको जो हमारे महान खिलाड़ी होते हैं। पर ये गेम देखा 6 साइड का ना, मुझे मैं वाकई मुझे बहुत पुराना अपना दिन वो याद है क्योंकि हम शायद इसी ऐसे ही ग्राउंड से शायद हम सीख के और हम आगे हैं। अभी हम डिस्कस संयोजकों का कि आरिफ जैसे मेहमान को चुनना भी एक बहुत अच्छी बात थी। रील साहब हमारे बीच में है जिनका एक नाम इस हॉकी की दुनिया में बहुत अच्छा लिया जाता है, जॉइंट कमिश्नर रिटायर्ड, ईमानदारी की एक मिसाल जो है। मैं समझता हूँ कि जो सरकार हमारी ने भी कहा कि नहीं 2 साल और आपने हमारी सेवा देनी है,
तो ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो स्पोर्ट्स को बड़ा बढ़ावा देते हैं। अशोक चौधरी जी हैं, बलविंदर जी जो मेरे बड़े भाई हैं, और मैं समझता हूं कि हर मौका जो जम्मू का, चाहे वो आरटीआई के लिहाज से किसी को पूछा जाए, तो आज भी हॉकी की जो एसोसिएशन है उसको नकेल डालने का काम भी इन्होंने जम्मू में किया। मैं इनका भी धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि मैं कुकू को सोचता था पूरा दिन मेरे साथ रहता है, इसको दो घंटे टेस्ट में फंसता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों कैप्टन ने बड़ा अच्छा मुजहरा किया, यहाँ पे पायरी थी और जिसमें इन्होंने बोल भी दिया कि आज हमारे कुकू ने कहा गुड अंपायरिंग। एक बात मैं कहना चाहता हूँ पीपी जी से और पूरी टीम से, एक दिन आरसपुरा को दे दो, सारा इससे अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगेगा आपको कि बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर, तो वहाँ बीएसएफ की भी हमारे वहाँ रहती है, तो शाम को वहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है, जहाँ जैसे अमृतसर में होता है, तो काफ़ी तो हॉकी का एक मैच जैसे यहाँ हुआ है वो सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हो, उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। इसमें आपकी एसोसिएशन में कुछ नहीं करना है, वो सारा कुकू पहले चले जाएगा, ग्राउंड कहाँ क्या करना है तो वो हम अपनी तरफ से सारा करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि ये करना, लेकिन मैं जब आर जी से मिलने गया उस दिन तो कुकू ने कहा जी हम आपको मिलने आए हैं, कहते 8 साल हो गए मुझे। शुक्रिया, वेलकम करें लाइन अप करवा के। और मैं आरिफ साहब से, राजेश पिटू जी से, सरपंच साहब से, एक छोटा सा हमारा एक ये टूर्नामेंट है, आ जाओ सर निकलो। थैंक यू जी, सारी फोटो ना भाई।